विकास अपने घर के किचन में समोसे बना रहा था, तभी अचानक विकास को किसी चीज की जरूरत पड़ती है और वो बाहर चला जाता है। और जैसे ही वो किचन में वापस आता है तो शॉक हो जाता है। लॉजिकल आर्मी, ऐसा विकास ने किचन में क्या देखा जिससे वो शॉक हो गया? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, विकास किचन से बाहर गया था तो प्लेट में एक समोसा रखा हुआ था, अब वो समोसा गायब है। किचन की खिड़की में तो जाली लगी हुई है, इसका मतलब कोई चूहा या बिल्ली तो आ नहीं सकता, फिर मेरा समोसा कहाँ गया? विकास सोचते सोचते चार समोसे और खाता है और उन्हें लेकर कमरे में आ जाता है और समोसा खाने लगता है। लेकिन जैसे ही विकास पहली बाइट खाता है, लाइट चली जाती है। विकास को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो अंधेरे में अपना टॉर्च ढूंढने लगता है। तभी अचानक लाइट वापस आ जाती है, लेकिन जैसे ही लाइट वापस आती है वो जोरों से चिल्लाने लगता है, भूत भूत। और विकास डर के मारे कमरे से बाहर भाग जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं विकास ने कमरे में ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि वहां कोई भूत है? लॉजिकल आर्मी, ध्यान से देखिए, विकास ने समोसे की बस एक बाइट खाई थी, लेकिन अभी समोसे का बस एक टुकड़ा बचा है, तो वो पूरा समोसा खाया किसने? विकास कमरे के बाहर आ जाता है, उसे काफी पसीना आ रहा था। तभी अचानक लाइट बंद चालू होने लगती है। विकास और घबरा जाता है और डर के मारे घर से बाहर भाग जाता है। विकास भागते भागते एक चौराहे पे पहुंच जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी इसलिए विकास पूरा भीग चुका था। तभी अचानक विकास को वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। विकास तुरंत उसके पास जाता है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में भूत आ गया है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन इससे पहले कि विकास उस आदमी की मदद लेता, विकास को समझ आ जाता है कि वो आदमी भी भूत है। लॉजिकल आदमी, विकास को ये कैसे समझा कि वो आदमी भूत है, क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से देखिए, इतनी तेज बारिश हो रही है लेकिन वो आदमी भीग ही नहीं रहा है, उसके बाल भी झोंके त्यों है। अब भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? विकास और डर जाता है। कौन कौन हो तुम? और देखते ही देखते आदमी विकास बुलेट की रफ्तार से वहां से भागने लगता है। बचाओ बचाओ, भूत भूत, मेरा मोबाइल भी घर पे रह गया, अब मैं क्या करूंगा? बारिश भी बहुत तेज थी तो सभी लोग घर के अंदर थे, विकास किसी की मदद भी नहीं ले पा रहा था। उसी समय सामने वाली सड़क से जस्ट दो चंडक अपनी बाइक से जा रहा था, लेकिन उनके कान में ईयरफोन लगे हुए थे इसलिए वो विकास की आवाज नहीं सुन पाता था। ये तो यजदा भूत संदर है, मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा वरना ये भूत मुझे मार देंगे। लॉजिकल आदमी, क्या आप कोई आइडिया सोच सकते हैं जिससे विकास यजदा भूत संदर को रोक सके? सोचिए सोचिए। विकास के आसपास बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। विकास पत्थर उठाकर यजदा भूत संदर की तरफ देखना शुरू कर देता है और फाइनली एक पत्थर जिसकी गाड़ी में लग जाता है। लगता है किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया है। बस पीछे मुड़कर देखता है तो विकास उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा था। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। और तेज स्पीड से बाइक चलाते हुए विकास के पास पहुंचता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है। विकास नीचे गिर जाता है। सर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? पहले मेरी बात तो सुनिए। इसके बाद विकास जस्ट को सारी कहानी सुनाता है। अच्छा तो ये बात है, माफ करना दोस्त, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने तुम्हें मार दिया। लॉजिकल आर्मी, अगर खुद को बचाना चाहते हो भूतों से तो कर लो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। इसके बाद यश और विकास उस चौराहे पर पहुंच जाते हैं जहां थोड़ी देर पहले विकास भाग कर आया था। यश की घड़ी जोर जोर से अलार्म बजाने लगती है, इसका मतलब भूत आसपास में है। यश चौराहे को अच्छी तरह से देखता है और समझ जाता है कि भूत कहां पर छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं भूत कहां पर छुपा हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। और चटनी जैसा कुछ डला हुआ है, लेकिन अभी तक तो यहाँ बारिश हो रही थी, इसका मतलब चटनी और खाना बारिश में साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब भूत डस्टबिन के अंदर छुपा हुआ है और उसने ये खाना अंदर से बाहर फेंका होगा। यश तुरंत अपनी गन लेकर डस्टबिन के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही यश भूत को पकड़ने वाला होता है वो भूत डस्टबिन का सारा कचरा यश के ऊपर फेंक देता है और बाहर से भाग जाता है। अरे यार, कितनी बदबू है। लेकिन इससे पहले कि यश भूत को पकड़ पाता, वो भूत हवा में उड़कर विकास के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। सर प्लीज, मुझे इस भूत से बचाइए सर। यश अपनी गन से उस भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूत विकास को लेकर हवा में उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते विकास को लेकर एक घने जंगल में पहुंच जाता है।
इसके बाद वो भूत विकास को एक पेड़ से बांध देता है और एक अलग तरह की आवाज निकाल कर कुछ इशारा करता है। भूत की आवाज सुनकर वहाँ पेड़ के पास एक बड़ा डरावना शेर आ जाता है। शेर की आंखें लाल थी और वो दहाड़ रहा था। शेर विकास को खाने ही वाला होता है कि तभी अस्ते से सुपर हीरो की तरह अपनी बाइक से हवा में उड़ते हुए आता है और बाइक के आगे वाले टायर से शेर को एक जोरदार किक मारता है। शेर धूम दबा कर वहां से भाग जाता है। यश की बहादुरी देख वो भूत डर के मारे पेड़ों में छुप जाता है। यश सारे पेड़ों को अच्छी तरह से देखता है और समझ जाता है कि भूत कहाँ पर छुपा हुआ है। ध्वज कला जी, क्या आप बता सकते हैं वो भूत कहाँ पर छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। सामने एक पपाया का पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ में लगे सारे पपाया छोटे छोटे और कच्चे हैं, लेकिन एक पपाया बहुत बड़ा और पका हुआ है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? एक पपीता अचानक इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो सकता है? मतलब वो भूत पपीता बनकर छुप गया है। यश अपनी गन निकाल कर उस भूत को पकड़ लेता है। सर, आपकी बहादुरी देख कर मजा आ गया। मैं हूँ यश द घोस्ट हंटर। भूत मुझे देख कर हो जाते हैं चुमंतर। रास्ते में जाते जाते विकास यश को बताता है कि उसके घर में भी भूत है और इसके बाद विकास यश को सारी कहानी बताता है और यश विकास को लेकर उसके घर पे पहुंच जाता है। यश और विकास जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, यश समझ जाता है कि घर में जरूर भूत है। ध्वज कला भी यश को कैसे समझ जाता है कि घर में पक्का भूत है? सोचिए सोचिए। जब विकास घर से भागा था तो उसके प्लेट में 3 समोसे थे और 1 समोसे का बाइक था, लेकिन अभी प्लेट खाली पड़ी है। इसका मतलब भूत ने सारे समोसे खा लिए हैं। यश की घड़ी सिग्नल नहीं दे रही थी, इसका मतलब भूत यहाँ आसपास नहीं है। यश भूत को ढूंढते ढूंढते घर के पीछे वाले गार्डन में पहुंच जाता है। विकास के घर के पीछे गार्डन में तरह तरह के फूल लगे हुए थे। यश समझ जाता है कि भूत कहाँ छुपा हुआ है। क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सारे फूल गुलाब के हैं, लेकिन बीच में देखिए एक गुड़ेल का फूल है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन यश की घड़ी आघात नहीं कर रही थी। यश पास जाके देखता है तो वो नकली फूल था। किसने ये नकली फूल यहाँ पे लग दिया है? लगता है मुझे कंफ्यूज करने के लिए रखा होगा। तभी यश की घड़ी आवाज करने लगती है। यस यस, इसका मतलब भूत यहीं कहीं आसपास है। यश अपनी घड़ी से भूत को ट्रैक करता है तो भूत की लोकेशन विकास के घर के दूसरे फ्लोर पे आ रही थी। यश और विकास दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। दूसरे फ्लोर पे बहुत सारा अनाज का सामान रखा हुआ था। यश वहाँ अच्छी तरह से चेक करता है और समझ जाता है कि भूत कहाँ पर छुपा हुआ है। तो अच्छा लगा, क्या आप समझ पाए भूत कहाँ पर छुपा हुआ है? एक खुली हुई बोरी में अनाज भरा हुआ है और वो बोरी जमीन पे गिरी हुई है, लेकिन अनाज उसमें से बाहर नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब जरूर भूत उस बोरी के अंदर बैठा है। यश अपनी गन बाहर निकालता है और अपनी गन से उसे पकड़ लेता है और फिर अपनी बाइक से कोशिस्तान पहुंच जाता है और सारे पकड़े हुए भूतों को बोतल में बंद करके रख देता है। तभी उसे ड्रैकुला तांत्रिक की याद आती है और वो किट्टू से मिलने के लिए निकल जाता है।